मैम आपका ऑफिस आ गया। भैया ये अभी मेरा ऑफिस बना नहीं है। हम तो यही दुआ करते हैं आपका ऑफिस बन जाए। थैंक यू भैया। वेलकम। इन कागजों की तरह मेरी जिंदगी भी ना ऐसे ही बिखरी हुई है पिछले कुछ सालों से। और ये मेरा रिज्यूम है, इसमें यह जो 2020 के बाद ब्लैंक है वो मेरी लाइफ बन गई है। गार्ड भैया यहाँ पे इंटरव्यूज कहाँ हो रहे हैं? रिज्यूमे में गैप सुनते ही लोग ऐसे दूर भागते हैं जैसे मैंने कोई क्राइम किया हो। हेलो, यू आर हियर टू अप्लाई फॉर द रीजनल मैनेजर पोस्ट? जी हाँ, व्हाट अबाउट यू? सेम सेम सेम। सो वेयर आर यू करेंटली वर्किंग? I'm not working anywhere at the moment. I took a break. Oh, you took a break? सही है यार, यहाँ एक्सपीरियंस वाले लोगों को ये लोग रिजेक्ट कर देते हैं और आप गैप वाले रिज्यूम के साथ आगे। कॉन्फिडेंस हो तो ऐसा हो। Who's Amika? It's me. It's your turn. Okay, thank you. Hello, sir. Hi, Amika. मैंने आपका रिज्यूमे देखा, काफ़ी अच्छा काम लगा। काफ़ी रिप्यूटेड ब्रांड्स के लिए भी काम किया है आपने। आपका पोर्टफोलियो भी काफ़ी स्ट्रांग है। थैंक यू सर। टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। सर, आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली इटसेल्फ। आई एम 31 ईयर ओल्ड। आई हैव वर्क्ड विद TXC फॉर ऑलमोस्ट 4 ईयर्स एंड देन आई वॉज विद वैलेंस इंटरनेशनल फॉर 3 ईयर्स। एंड व्हाट इज योर एक्सपेक्टेड CTC? सर, आई एम एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट 14 LPA। एंड व्हाट वॉज योर लास्ट CTC? 10 LPA। वैलेंस के बाद आपने कहाँ काम किया? एग्जैक्टली ये गैप मैं अपने सीनियर्स को कैसे एक्सप्लेन करूँगा? इसलिए हम आपका करंट CTC तो मैच नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम आपको 8 लाख पर एनम का ऑफर दे सकते हैं। बट ये तो मेरे लास्ट CTC से ही बहुत कम है। I'm sorry, it won't work for me. Vamika, you took a break. और सब कुछ मेरे हाथ में नहीं है। I am also answerable. No sir, thank you. देख लीजिए, वैसे खाली बैठने से तो अच्छा है। Thank you, sir. हाँ जी मैडम, कैसा रहा इंटरव्यू? As usual, नौकरी तो मिली नहीं, लेकिन आज एक नई बात पता चली है। क्या मतलब? मुझे पता चला है कि अगर आप नौकरी छोड़कर घर पर बैठे हो ना, तो आपका बैंक बैलेंस के साथ साथ आपका CTC भी कम हो जाता है। They offered me 8 LPA. अर्जुन, मेरा लास्ट 10 LPA था यार। What? This is so stupid. But don't worry यार, अच्छे लोगों के साथ बुरा नहीं होता। सब ठीक होगा। You took that break क्योंकि उसकी बहुत जरूरत थी। And I'm sure सब अच्छा होगा। I know, नौकरी मिले ना मिले, but I will never regret that break. अच्छा चल, मूड ठीक कर ले, शाम को डिनर पर मिलते हैं। See you. Sorry. I can't believe we can't find one good candidate. Seriously, Tarun. Ma'am, definitely हम इस पोजीशन के लिए एक अच्छा कैंडिडेट ढूंढ लेंगे। तुमसे ना हो पाएगा। Show me the resumes. Let me decide. Yes, please. What about her? She seems really promising. इसको इंटरव्यू के लिए क्यों नहीं बुला रहे हो? मैम ये रहने दीजिए, she had a gap in her resume. So? तो मैंने इसको बोल दिया कि लास्ट कंपनी में जितना मिल रहा था उतना हम नहीं पे कर पाएंगे, उससे कम ही पे कर सकते हैं। Are you serious, Tarun? Please call her for an interview. I'd like to meet her. Sure. No, you make the call, please, right away. I'd like to see her tomorrow. हाय वमिका, कैसे हैं आप? आई एम गुड सर, प्लीज टेल मी। बॉस आपसे कल मिलना चाहती हैं।
सर मैं आपको बता चुकी हूँ 8 LPA would be too less for me. हाँ I told that, but फिर भी वो आपसे मिलना चाहती हैं. कल आप आ सकती हैं 11 बजे? Sure sir, I mean why not? ठीक है, कल मिलते हैं फिर. See you. Hello ma'am. Hi, good morning, Vamika. Please sit down. Did you have some tea, coffee, anything? No ma'am, I'm fine, thank you. So Vamika, तरुण ने मुझे बताया कि आपने हमारा ऑफर रिजेक्ट कर दिया. यस मैम. पर आप पे इतना कॉन्फिडेंस क्यों है कि कोई भी कंपनी आपको आपका एक्सपेक्टेड CTC दे देगी डिस्पाइट द गैप इन योर रेज्यूमे? मैम क्योंकि मेरे रेज्यूमे का गैप मेरा टैलेंट या कैलिबर डिफाइन नहीं करता है. आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट अबाउट माई स्किल्स. वाह वामिका, आई मस्ट थैंक यू फॉर रिजेक्टिंग दिस ऑफर. सॉरी. Don't look so confused. अगर तुम ये ऑफर रिजेक्ट नहीं करती तो मुझे कभी पता ही नहीं चलता कि तुम जैसे टैलेंटेड लोगों को हमारी कंपनी में हायर होने में कैसी कैसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं. मैम और ये रेज्यूमे का गैप वॉज ऑल्सो बिकॉज मेरे कुछ पर्सनल रीजन्स थे. इफ़ यू डोंट माइंड मी आस्किंग, क्या पर्सनल रीजन्स थे? यस मैम. मैम मेरे फादर को किडनी फेलियर हो गया था तो इट वॉज़ नॉट पॉसिबल कि मेरी मदर उनको बार बार हॉस्पिटल लेके जाएं, इसलिए मुझे बार बार उनको डायलिसिस के लिए लेके जाना पड़ता था. एंड मैम माई प्रीवियस कंपनी देवर ओके वंस और ट्वाइस, बट जब सिचुएशन ख़राब होती गई देन दे आस्क्ड मी टू चूज फैमिली या जॉब. एंड फिर मैंने सोचा कि हम लोग लाइफ में जितनी भी मेहनत करते हैं, जितना भी काम करते हैं, इट्स ऑल फॉर देम जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं. पर अगर वही ठीक नहीं होंगे देन आई गॉट माय आंसर. सो वामिका, आई वुड आल्सो लाइक टू गिव यू एन आंसर टुडे एंड माय आंसर इज वी आर हायरिंग यू. आर यू सीरियस? थैंक यू सो मच. थैंक यू मैम. एंड आई आल्सो वांट टू शेयर समथिंग विद यू. बहुत साल पहले व्हेन आई वाज हैविंग माय चाइल्ड मैंने भी गैप लिया था और जब मैं वापस वर्क प्लेस ज्वाइन करने की कोशिश कर रही थी मुझे भी बहुत रिजेक्शंस मिले थे. पर तब देयर वाज वन पर्सन हु रियली डिड अंडरस्टैंड माय प्रॉब्लम्स एंड रियली टुक अ चांस ऑन मी अगेन. और उस पर्सन की वजह से आई एम सिटिंग वेयर आई एम सिटिंग टुडे. सो आई गेस दिस इज माय वे ऑफ रिटर्निंग दैट फेवर डन टू मी इन द पास्ट. मैम दिस मीन्स अ लॉट. दिस मीन्स सो मच टू मी. और इससे दो फायदे हुए हैं. पहला फायदा ये कि आपने अपने फादर के साथ टाइम स्पेंड करा. वैसे बाय द वे हाउ इज ही? मैम थैंकफुली ही इज फाइन, ही इज वेल. एंड दूसरा फायदा? दूसरा फायदा आपका नोटिस पीरियड तो है ही नहीं, सो यू कैन जॉइन अस इमीडिएटली. थैंक यू सो मच. थैंक यू. वर्क हार्ड.